आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से रोकने के लिए बीजेपी के दबाव में चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टी के रजिस्ट्रेशन में बदलाव किया है। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन पर ऑब्जेक्शन की 30 दिन की अवधि को घटाकर 7 दिन कर दिया गया। वहीं आचार संहिता के बाद चुनाव से महज 25 दिन पहले राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कानून को बदलकर विशेष राजनीतिक पार्टी को रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश की जा रही है। दो बड़े बदलाव जो भारत का चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करने जा रहा है वो कुछ इस प्रकार है। पहला बदलाव, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कराने से पहले, उनका पंजीकरण होने से पहले 30 दिन का एक समय सीमा होती है। भारत का चुनाव आयोग एक स्पेशल ट्रीटमेंट करते हुए इस 30 दिन के 30 डेज के पीरियड को घटाकर 7 दिन कर रहा, एक तिहाई से भी कम कर रहा है, और मात्र 7 दिन का ऑब्जेक्शन पीरियड वो करने जा रहे हैं खास पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने के। दूसरा बड़ा बदलाव जो चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है वो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, यानी कि आचार संहिता लगने के बाद, यानी कि चोण जाप्ता लगने के बाद और चुनाव से मात्र 25-27 दिन पहले एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उसे चुनावों के मैदान में आने वाले फरवरी के महीने में होने वाले चुनावों के मैदान में उतारा जाए। वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके लिए ये स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने आज सीधा सीधा चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी और अमित शाह पे आरोप लगाया है कि जो पार्टी रजिस्ट्रेशन का 30 दिन का समय होता था वो महज घटाकर, खास तौर से आचार संहिता लगने के बाद घटाकर उसे 7 दिन का कर दिया गया है। ऐसी क्या खास बड़ी वजह थी जो कि आचार संहिता लगने के बाद इसको, इस नॉर्म को चेंज करा गया, अचानक से इन बदलावों को किया गया कि जो पार्टी रजिस्टर करने के लिए 30 दिन का समय लगता था वो महज 7 दिन का कर दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये कुछ नहीं भी आम आदमी पार्टी को गिराने के लिए किया जा रहा है। जिस तरीके से पहले कई तरीके के हथकंडे अपनाए गए आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, वहीं अब ये नई पार्टी को लाकर आम आदमी पार्टी के वोट काटने का प्रयास किया जा रहा है। और उन्होंने साफ कहा कि इन तरीकों से कुछ नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से पंजाब की जनता केजरीवाल जी को प्यार करती है तो वो ज़रूर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में सफल होंगे। दिल्ली से जनतंत्र टीवी के लिए अपने सहयोगी मोहम्मद आसिफ के साथ भावना की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.